तगुड़ खा के मर जावा। ओ मेरी हीरे वे तू जुग जुग जीवे रे, नीला जड़ नाल तू ले ले इश्क दे फेरे वे। ओ मेरी हीरे वे तू जुग जुग जीवे रे, नीला जड़ नाल तू ले ले इश्क दे फेरे वे। इसके पीछे आपका रिजोल्यूशन, हाँ भाभी का रिजोल्यूशन ये है, ये फर्स्ट अलार्म पे सुबह ही उठ जाएंगी। सब लोग इनके लिए तालियां बजाएं। रिस्पूट में नहीं डालेगी, क्या पता भाभी जरूरी काम भी सो रही हो। लेकिन अब से ही ये रिजोल्यूशन है साल भर का, ये पहले अलार्म पे पहले नहीं नहीं हम उठते हैं वाकई। भैया है भैया हमारे, हाँ हाँ अब टास्क आएगा। अब आपका ग्रीन पे गोल्डन कलर है, अब आप इसमें सिंग करती है, आप एक कोई भी आएंगे गोल्डन गोल्डन कलर। अरे आया क्या है? गाना का नाम भाभी को ऐसा गाना गाना है जिसमें गिनती आती हो। दो गाने ऐसे गाने जिसमें गिनती आती हो। एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तेरह करोगे एक प्यार का नगमा है, मौसम का रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। और अच्छा चलिए सब लोग भाभी के तालियां बजाइए। चलिए लेट्स गो। कितना नंबर है? रिजोल्यूशन नंबर 3 मम्मी का। इंस्टाग्राम सिर्फ आधा घंटा चलाऊंगी। सही है, सही है मम्मी। आप तो सही है। इंस्टाग्राम भी नहीं चलाती है, चोरी चोरी चलाती है मम्मी का भी इंस्टाग्राम पे रहना है। ठीक है, आप तो मम्मी ने आधा घंटा सिर्फ साल भर में आधे घंटे सिर्फ हम लोग इंस्टाग्राम चलाएंगे। चलिए मम्मी का कलर है रेड, रेड कलर की मम्मी पढ़ चुके हैं। मम्मी के भी टास्क आया है, जब आप बच्ची थी मतलब किड्स बचपन के टाइम में अपने स्कूल के समय का एक खुशनुमा पल उसको सबको सबके साथ शेयर करना है। अब जब मेरा कोई स्कूल में कोई फंक्शन हो या कोई कहीं जाने होने का प्रोग्राम हो तो हम सबसे आगे रहते थे उसमें, और मेरी मैम हमको लेकर जाती थी और बहुत अच्छे से। ये है एक चीज और बता दूं मैं अपने मम्मी के लिए, मेरी मम्मी रेड क्रॉस कोर्स भी की है अपने स्कूल टाइम में। तो मेरी मम्मी छोटे मोटे जो डॉक्टर काम करते हैं तो घर के लिए वो तो है कर लेती है, वो तो है। एक बार जब आता गया इनका रिजोल्यूशन आया है, जिम का फीस मैं भरकर हर दिन जिम जाऊं।
मतलब कि फीस भर के हम लोग जिम नहीं जाते हैं, एक दिन जाते हैं, दो दिन जाते हैं, फिर नहीं जाते हैं। लेकिन हाँ, अब जिम के फीस भर के तो इस साल डेली जिम जाना पड़ेगा। ऑरेंज कलर, चलिए पर्ची उठाइए ऑरेंज कलर वाली। आपकी भाभी सपोर्ट कर रही है, चाची भी नहीं। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत, जैसे लगता ही नहीं कि ये पर्ची बना। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसलिए आप इस जिंदगी में ऐसा क्या करना चाहते हैं जिससे आपको बहुत अच्छा लगे, ये आपको बताना होगा। हम अपने परिवार को खुश रख सकते हैं, अपनी फैमिली को खुश कर सके और आगे बढ़ाए। चौबीस लास्ट है, लास्ट है, हाँ, इसमें हो जाने से इसी बात पे गाना गाइए। अब तो होने वाली के लिए, जो आने वाली है मेरी देवरानी, उसके लिए गाना गाइए। पता चला रिकॉर्डिंग में देख रहे, कोई बात नहीं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं देख रहा है, वैसे भी सबको टास्क मिल रहा है, आधे घंटे मोबाइल चलाऊंगी तो कहा ही लोग देख पाएंगे। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, चलिया चलिया। अरे लेकिन ये नहीं हुआ, आप अपनी मुंह से गाएंगे, ये तो हमने गाया ना। नहीं नहीं, ये बड़ी मम्मी के रिजोल्यूशन है, आज किस्मत ही मेरा साथ दे रही है, तो जैसा है उसके लिए वैसा रिजोल्यूशन किया रहा है। मैं अपने पति की बात मानूंगी। ये न मैंने किया है न करूंगी। उनका ये मेरी सारी बातें मानते हैं जब से मैं आई हूँ, तो ना मैंने इनकी बात मानी है ना मानी। ये तिखी तिखी नजरें, ये मुझे देखा जब तुझे जानम हुआ है बुरा हाल। जब इनकी शादी होगी तो ये पेट से ज्यादा अपने पति की वैल्यू करेंगे। अरे वाह, चलिए एक बार फिर से चाची। जब इनकी शादी हो जाएगी, देखिए घर पे मेड रहती है तो मेड की तो वो तो पर्चा पहले उठा लेंगे। हाउसवाइफ लोग बहुत ही, आप लोगों ने पर्चा को पहले उठा लेंगे। चलिए पर्चा भी देख लीजिए। क्या हुआ तुम्हें, ये आया है, इनको पांच ऐसी चीजों के बारे में बताना है जिनके बिना ये बिल्कुल रह नहीं सकते। चलिए कान खोल के सुनिए, कान खोल के सुनिए भाई, ये मोस्ट डिमांडिंग बैचलर इन गर्ल्स, इन गर्ल्स। ये सप्ताह होता है, कोई बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सप्ताह होता है। शॉपिंग दो नहीं, हाँ कोई बात नहीं। पहला 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 कोई नहीं, पहला पहला शॉपिंग, दूसरा मेकअप, तीसरा स्वीट, चौथा सोना, चौथा सोना, पांचवा पांचवा दो तेज से चाहता है इसलिए एक हस्बैंड। ओह ये लोग में पढ़िया बहुत है, बहुत है, ठीक है, बहुत अच्छा है। कौन होना चाहेगा घुमाते घुमाते।
उठ जाओ। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानते हो इससे पापा? दुबारा 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 एक बार फिर से, एक बार फिर से सुन तो लीजिए, देखिए घर हमारी बहू आपको आवाज दे दी। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो चाची, सॉरी कन्हैया बाबू। ठीक है, और वन हम आपको देंगे, आपको हिंदी में बोला उसका है तूने कदम तेरे नाम पे मेरी हमदम ना सीखा कर। इंस्टाग्राम पे कोई फॉलो नहीं करता तो जिंदगी में कौन को फॉलो करेगा? अरे वो नहीं, वो तो हो गया ना, वो तो गाने के लिए बोले। आजकल मेरे घर में इसी बात पे चर्चा हो रही है और टास्क भी इनका ऐसा ही आया है। जब चर्चा हो रही है पर्चा भी निकल गया, पर्चा भी निकल गया, सही बात है। शादी करने की सही उम्र आज के समय में हाँ, क्योंकि उस समय माँ बाप को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हाँ, हमारा कोई पोता हो, हमारा पोती हो, तो वो फ्री उस समय रहते हैं और बच्चे भी फ्री रहते हैं, दोनों अपने जीवन को जीते हैं। ठीक है, यही चीज माँ बाप ने भी की है अपने टाइम में। आज के बच्चे मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है जो ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा पढ़े लिखे, लेकिन कुछ है कि वो अपने चीजों के पीछे, अपने सपनों के पीछे इतना ज्यादा भागते हैं कि वो चीज छोड़ देते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है। ये बहुत हार्ड आंसर है भैया, एक बार जोर से चलिए। मैं यही है तो थोड़ा इनके लिए एक एक्स्ट्रा टास्क तो बनता ही है। हाँ, इनको यहाँ पे जय श्री राम का नारा लगवाना है 5 बार बहुत तेज से और सबको साथ में बोलना है। चलिए हम आपके जय बोलो सियावर रामचंद्र की जय, जय बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सतत तमम्मा 17 सितंबर है, आगे जो बर्थडे आएगा उनका मंगलवार को पड़ेगा, ट्यूसडे को पड़ेगा। पांच जून ठीक है, बताइए कैलकुलेट करिए, ठीक है कैलकुलेट करिए, कोई बात नहीं। बुधवार, वेडनेसडे बुधवार, ठीक है। 1999 पिक्चर बनी है, हीरो हीरोइन कौन है? अश्वर्या राय, अजय देवगन, सलमान खान, ठीक है। जिंदगी प्यार का जीत है इसे हो गया संभाल लो जिंदगी, हसीन होने तो दे, तब तो यह हंसना फल बताएंगे। अभी तो इनको बोलते हसीन फल मेरे आए नहीं है। चलिए ठीक है, कोई बात, मेरा यहाँ कोई शादी नहीं। तू आए तुम शादी कब आएगी, छोटा बीत जाए जिंदगी। चलिया बहुत अच्छा जवाब है, जमीन बहुत पुराना प्यार है, फिर भी पूछ रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कहीं पहाड़ों में जाया जाए। हाँ, अरे कुछ भी कर सकते हैं ना चाची, आप कहा बोले उनके बोले दिखे ना ये अंबर और तुम, ये बात है ना, अपनी बहन की शादी की वजह से करवाना और
दूसरा एक मिनट पहला क्या था, इसकी शादी जबरदस्ती करवा देना कैसे? अच्छा ठीक, अरे कैसे भी ऐसे करना और अपने घर लेके जाना। हाँ ये भी ठीक है, मेरा छोटे भाई का ये ये भी ठीक है। तीसरा तीसरा सबका छीन के खा भी लेता, मैं टिफिन भी छीन के खा जाता हूँ। अच्छा छोटे बच्चे जाते हैं स्कूल में, कहता हूँ क्या लेके जा रहे हो भैया तुम समोसा? सबसे पहले शादी आपकी भी होनी चाहिए। मैं नहीं बुराई तलाक करवाने का, अरे यार गजब आदमी है। हाँ मतलब तो क्या हुआ बोले? किसी को समझ नहीं आया? चाची क्या को समझ नहीं आया? ठीक हाँ कैसे पता? अच्छा चलो ठीक है तब। जय श्री राम मजा आया कोई को नहीं मजा आना? बाहर है बोलिए क्या हुआ, जल्दी बोलिए। हाँ वही यही चीज बोल रहे हैं। हाँ तो काम कर रहे हैं, बाहर आए हैं काम पे आए हैं। बिल्कुल डांस में मेरा ही नहीं होगा यहाँ पे, और भी कपल सब मेरे साथ कपल नहीं अकेले हैं। बिल्कुल बिल्कुल होगा, पहले अभी मेरा टास्क कोई नहीं। हाँ वो कि जब मेरे पास पता नहीं टाइम पास करने के लिए बहुत टाइम होता है तो मैं क्या करना पसंद करती हूँ, यही मेरा टास्क है। फोन काटिए जल्दी। जब टाइम पास करने के लिए बहुत टाइम रहता है तो मैं अपना मोबाइल बहुत ज्यादा देखती हूँ, इंस्टाग्राम पे रील बनाती हूँ, पोस्ट करती हूँ, और मैं अपने बच्चों के लिए बहुत ऑब्सेस्ड हूँ, उनके लिए बहुत कुछ करती हूँ, उनका रील बनाती हूँ, उनके फोटोज क्लिक करना, ये सब मैं करती हूँ अपने टाइम पास। ये हर किसी के साथ है। ठीक है आप डिवाइड करा रहे हैं तो आप बताइए क्या कराना है। कुकिंग पसंद है, आर्ट एंड क्राफ्ट पसंद है, अपना घर डेकोर करना पसंद है, और थोड़ा अपना पढ़ाई करना पसंद है, कुछ भी स्टडी करना मुझे पसंद है। ये सही है क्योंकि हम सब बनाते हैं।
तुमको सनम बहुत प्यार करते हैं, तुमको सनम आई लव यू। लागे तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे।